नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के बारे में। WCU के नाम से यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, किसी भी तरीके से लिए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की आप जानना चाहते हैं क्रेडिबिलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है। कई लोग आप लोगों में से हमें कमेंट करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या फेक है, यूनिवर्सिटी हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी या नहीं करेगी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। उन्हें सबको जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हम बताएंगे सब कुछ अपने इस वीडियो में। दोस्तों, विलियम कैरी यूनिवर्सिटी हालांकि बहुत ही वेल नोन हो गई है पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में। जिन लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वो तो बेहतर जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को। डॉक्यूमेंट लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लिए हैं, मतलब आपने क्लास लगाई होगी, आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा, एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। और कई स्टूडेंट्स ने जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लिए हैं वो एक गलत तरीका है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के पास अगर डाटा नहीं मिला तो ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स की नेगेटिव रिपोर्ट भेजने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं और सीधा आपकी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर RTI के, अगर आपने RTI लगाई है इस यूनिवर्सिटी को तो RTI से ही आपको जवाब बिल्कुल भेज देंगे, और अगर ठीक है तो भी भेज देते हैं ये लोग। पर हाँ, इस यूनिवर्सिटी आप इतना जो भरोसा कर सकते हो कि आपने अगर इनसे कुछ वेरिफिकेशन मांगी है तो यूनिवर्सिटी ये रिप्लाई करती है। पर दोस्तों, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल्स की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास UGC का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ और भी अप्रूवल्स आए हैं अभी रिसेंट में। मैंने पहले भी आपको बोला था कि यूनिवर्सिटी काफी पहले की बनी हुई है, अभी 2021 चल रहा है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ खास अप्रूवल्स नहीं है अभी भी। वो गिने चुने जो शुरू के अप्रूवल्स होते हैं वही अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी अपने पूरे डाटा को गवर्नमेंट को सबमिट कर चुकी है कि कितने कितने स्टूडेंट्स किस किस ईयर में इन्होंने पास आउट किए थे। उस लिस्ट को जानने के लिए आप सीधा चाहो तो UGC को, आप चाहे तो RTI लगा लें, MHRD को लगाएं, या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं यूनिवर्सिटी की वहां RTI लगा सकते हैं, या फिर सीधा यूनिवर्सिटी से भी आप पूछ सकते हैं। बट अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने WCU से, विलियम कैरी से लिए हैं डॉक्यूमेंट कोई भी, उनको वेरीफाई आप जरूर करा लें। वेरीफाई करा के उसकी रिपोर्ट अपने पास आप जरूर रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का आए दिन आपको कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है, बाद में यूनिवर्सिटी का कुछ भी चाहे जजमेंट आए, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बेस पर यूनिवर्सिटी दोबारा चलनी शुरू हो जाती है। बट बेहतर है अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही आप हर तरह से वेरीफाई कराए, क्रेडिबल बना लें। विलियम कैरी यूनिवर्सिटी पर यह सोचना कि यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक नहीं है, यूनिवर्सिटी फर्जी है, यूनिवर्सिटी फेक है, ये बोलना गलत होगा। यूनिवर्सिटी के पास UGC का अप्रूवल है, और UGC का अप्रूवल है तो यूनिवर्सिटी कोर्स करा सकती है। यूनिवर्सिटी UG, PG सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है और आपको डिग्रीज भी अवार्ड कर सकती है। बट क्वेश्चन बस यही था, जो लोग आप लोग हमसे लगातार पूछ रहे थे कि सर क्या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, यूनिवर्सिटी जेन्युइन है। हाँ, यूनिवर्सिटी बिल्कुल जेन्युइन है। डॉक्यूमेंट आपके ऑथेंटिक है कि नहीं वो आप बेहतर जानते हैं, आपने क्लास लगाई कि नहीं, आप यूनिवर्सिटी गए कि नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, ID कार्ड है कि नहीं, फी रसीद है या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने पिछली वीडियोस में बनाया है सब कुछ, आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो बेहतर आप समझ पाएंगे। पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई जरूर करवा लें, वेरीफाई की रिपोर्ट अपने पास रख लें कि अगर यूनिवर्सिटी कभी आपको कुछ बोलना चाहे तो उसका प्रूफ कम से कम आप यूनिवर्सिटी को जाकर जरूर दिखा सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़े क्वेश्चन आपने पूछे थे, अभी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, फिर भी डिटेल में आप कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उस पर हम एक वीडियो बनाएं और आप तक सब कुछ बता सकें, जो आपके दिल में डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों में, परिजनों में, रिश्तेदारों में, ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को लेकर अवेयर बना सके, जागरूक बना सके और जान सके सब कुछ क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।